हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आवर सेफ्टी सॉल्यूशन। आज मैं बात करने वाला हूँ कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में। कोल हैंडलिंग प्लांट पावर प्लांट का एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है, तो इस वीडियो में आज कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। कोल हैंडलिंग प्लांट किस तरह से कार्य करता है और साथ ही कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या क्या खतरा होता है और सेफ्टी के लिए हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस है वो है कोल ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट के माध्यम से कोल्स को मंगाया जाता है और फिर उन्हें सूटेबल यार्ड पर खाली करवाया जाता है और उसे स्टॉक किया जाता है। और अभी जो आप ये सेक्शन देख पा रहे हैं, ये है कोल यार्ड, जहाँ पे कोल को स्टोर किया जाता है। और ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, ये है कोल फिलिंग सेक्शन। कोल प्रोसेसिंग का काम यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले इसमें कोयले को डाला जाता है और उसे कन्वेयर बेल्ट के जरिए आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, ये हमारे बड़े बड़े कन्वेयर बेल्ट लगे हुए हैं जिसके माध्यम से कोयले को आगे के प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि बड़े से कन्वेयर बेल्ट पर कोयले को आगे के प्रोसेस के लिए, यानी कि जो रिसाइज किया जाता है उसके लिए भेजा जा रहा है। और ये जो सेक्शन देख पा रहे हैं, ये है मैग्नेटिक सेपरेटर। इसका कार्य यह है कि अगर कोयले में कोई मेटल आ जाता है या कोई कील्स वगैरह आ जाती है, तो उसको ये सेपरेट करने का कार्य करता है, जिससे कि किसी भी तरह का मेटल कोयले के साथ आगे ना जा पाए। तो ये मैग्नेटिक सेपरेटर है जो मेटल को सेपरेट करता है और कन्वेयर बेल्ट के जरिए कोयले को आगे प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद हम आगे सेक्शन में देखेंगे कि जो कोयला कोल कन्वेयर बेल्ट के जरिए जा रहा है, उसका क्या आगे क्या प्रोसेस किया जाता है। अभी आप देख पा रहे होंगे कोल कन्वेयर बेल्ट के जरिए कोयले को कोल क्रशर में डाला जा रहा है, जहां पर कोयले को रिसाइज किया जाएगा। रिसाइज करने के बाद कोयले को सेपरेटर में भेजा जाता है, जहां पे कोयले को सूटेबल साइज में बदला जाता है, क्योंकि कोयले को कोल क्रशर में कन्वेयर बेल्ट के जरिए डाला जा रहा है। इसके बाद ये जो जगह है, इसे कोल क्रशर मशीन बोला जाता है। यहाँ पे कोयले को क्रश किया जा रहा है और इसे रिसाइज किया जा रहा है, ताकि जो सूटेबल साइज है कोल का वो हमें प्राप्त हो सके, जिसे हम बॉयलर फर्नेस में भेजेंगे। ये हमारा शिफ्टर है, जहाँ से जो सूटेबल कोयले की साइज होती है उसे प्राप्त किया जाता है। और इसके बाद कोयले को जो शिफ्टर से प्रोसेस किया जाता है, उसे डायरेक्ट इस जगह पे भेजा जाता है, जहाँ से जो सूटेबल कोयले की साइज है वो मिलती है। और ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो सूटेबल साइज है बॉयलर फर्नेस में भेजने के लिए, वो फाइनली यहाँ पर तैयार हो जाता है और यही जो साइज है वो बॉयलर फर्नेस में यूज होता है। क्योंकि बड़े साइज़ के जो कोयले होते हैं, उसे हम डायरेक्टली फर्नेस में यूज नहीं कर सकते, इसलिए इस कोयले को रिसाइज किया जाता है और इसके लिए विभिन्न विभिन्न प्रोसेस से होकर कोयले को गुजारा जाता है। जैसे कि हमने देखा कि पहले कोल फिलिंग किया जाता है, फिर कन्वेयर बेल्ट के जरिए उसे आगे क्रशर में भेजा जाता है, क्रशर से शिफ्टर में, जहाँ कोयले को रिसाइज किया जाता है। तो इस प्रकार ये जो फाइनल प्रोसेस है, जहाँ पे हमें कोयले का रिसाइज, जो हम सूटेबल साइज होता है, वो प्राप्त होता है। और ये जो अभी आप देख पा रहे हैं, ये है बकेट एलिवेटर। इसी के जरिए जो हमारा रिसाइज किया हुआ कोयला है, उसे बॉयलर फर्नेस तक भेजा जाता है, जहाँ पे उसकी बर्निंग की जाती है और बर्निंग से जो हीट निकलता है, उसे वाटर को स्टीम में बदला जाता है। और
और इसी स्टीम का इस्तेमाल कर पावर को जनरेट किया जाता है। आइए अब हम जानते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या क्या खतरे होते हैं, साथ ही हमें अपनी सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहला जो हजार्ड है वो है फायर इन कोल स्टोरेज, मतलब जहाँ पे कोयला हम स्टॉक करके रखते हैं वहाँ पे फायर हो सकता है। फायर कैन अकर इन द कोल स्टोरेज ड्यू टू एक्सेस इन्वायरमेंटल टेम्परेचर इन समर डेज और कम इन कॉन्टेक्ट विद एक्सटर्नल फायर एंड एक्सप्लोजन। कहने का मतलब है कि जहाँ पे हम कोयला को स्टोर करके रखते हैं वो गर्मियों के दिनों में अत्यधिक तापमान के कारण उस पर फायर हो सकता है, या अगर वहाँ पे एक्सटर्नल इग्निशंस कोई सोर्स हो जाए तो वहाँ पे जो स्टॉक में कोयला रखा हुआ है उसमें आग लग सकती है। इससे बचाव के लिए हमें सभी प्रकार के इग्निशन से कोल स्टोरेज सेक्शन को दूर रखना चाहिए। साथ ही जो हमारा पहले से स्टॉक कोयला है उसे पहले यूज़ करना चाहिए, ज़्यादा दिनों तक कोयले को स्टॉक करके नहीं रखना चाहिए। अब आइए बात करते हैं दूसरे हजार्ड के बारे में, कोल डस्ट एक्सप्लोजन इन कोल कन्वेयर बंकर। कंफिनमेंट ऑफ कोल बंकर कैन हैव कोल डस्ट लेवल अप टू लोअर एक्सप्लोसिव लिमिट ऑफ कोल डस्ट व्हेन गुड इग्निशन कैन कॉज एक्सप्लोजन। कहने का मतलब जो कोल डस्ट हमारे बंकर में होता है उसमें अगर किसी कारणवश कोई इग्निशन सोर्स से अगर फायर हो जाए तो वो एक्सप्लोड कर सकता है, तो समय समय पर इसकी प्रॉपर इंस्पेक्शन होना चाहिए, साथ ही वाटर स्प्रिंकलर की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर देखते हैं इंजरी ड्यूरिंग कोल हैंडलिंग लाइक स्लिप एंड ट्रिप। वेरियस ऑब्स्ट्रक्शन इन द हैंडलिंग पाथवे ऑफ वर्कर्स। कहने का मतलब है कि कोल को हमें शिफ्ट करने के दरमियान भी फिजिकल इंजरी हो सकती है, इसके लिए हमें प्रॉपर पीपीज का इस्तेमाल करना चाहिए। फोर्थ नंबर पर देखते हैं रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ड्यू टू कोल डस्ट, मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। वेरी फाइन कोल डस्ट कैन कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। कहने का मतलब है कि कोल कन्वेयर बेल्ट में जब कोयले को रिसाइज किया जाता है तो उसमें बहुत सारा कोल डस्ट एनवायरनमेंट में आ जाता है, जिससे सांस लेने में हमें तकलीफ हो सकती है। इसके बचाव के लिए हमें प्रॉपर मास्क का यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर अवेलेबल हो तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिफ्थ पे देखते हैं कैचेज ऑन कन्वेयर बेल्ट। लूजिंग क्लॉथिंग ऑफ वर्कर्स कैन बी कैचेज बाय द मूविंग पार्ट्स। जो कन्वेयर बेल्ट होता है हमारा उसमें हमें अक्सर कोई भी काम करने के लिए जाना होता है, तो अगर लूज क्लॉथिंग के साथ हम जाते हैं तो उसमें जो क्लॉथ है वो फंस सकता है, जिसके वजह से गंभीर घटनाएं हो सकती है। इसीलिए जो भी कन्वेयर बेल्ट है या जो भी मूविंग पार्ट्स को लैंडिंग प्लांट में होते हैं उन सबकी प्रॉपर फेंसिंग होनी चाहिए, साथ ही हमें लूज क्लॉथिंग को अवॉइड करना चाहिए। जब भी हम मेंटेनेंस में जाते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का लूज क्लॉथ्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साथ ही जितने भी मूविंग पार्ट्स हमारे कोल हैंडलिंग प्लांट में होते हैं सबकी फेंसिंग प्रॉपर होनी चाहिए। सिक्स नंबर पर देखते हैं रेल लाइन एंड अदर ट्रांसपोर्ट लाइन एक्सीडेंट। केयरलेस ऑफ ड्राइवर और पर्सनल कैन कॉज एक्सीडेंट। कहने का मतलब है जब ट्रांसपोर्ट से कोयला हमारे वर्किंग साइट पे लाया जाता है तो उस क्रम में कभी ड्राइवर्स की गलती की वजह से या लोगों की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, तो हमें इनका भी प्रॉपर व्यवस्था करना होता है। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रैफिक की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, साथ ही वर्कर्स के लिए पेडेस्ट्रियन की अलग से व्यवस्था होनी चाहिए ताकि इस तरह के एक्सीडेंट को टाला जा सके। सेवन नंबर पर देखते हैं इंजरी ड्यूरिंग टू मेंटेनेंस ऑफ बॉल मिल। हैवी रोलर्स हैव टू बी चेंज टाइम टू टाइम ड्यूरिंग विच फिजिकल इंजरी कैन अकर। करने का मतलब है कि जो हैवी रोल्स लगे रहते हैं कन्वेयर बेल्ट में वो समय के साथ घिस जाते हैं, जिसके मेंटेनेंस अगर समय समय पर ना किया जाए तो वो एक्सीडेंटली टूट सकते हैं, जिससे कि हमें फिजिकली इंजरी हो सकती है। इसीलिए जो बॉल मिल पर लगे रहते हैं कन्वेयर बेल्ट पर उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर उनका इंस्पेक्शन टाइम टू टाइम होना चाहिए, जिससे कि हम लोग फिजिकल इंजरी को टाल सके। एट नंबर पर देखते हैं फॉल फ्रॉम द हाइट ड्यूरिंग वर्क ऑन कन्वेयर बेल्ट। इसका डिस्क्रिप्शन है फॉलन स्ट्रक्चर स्लिपरी सरफेस अवॉइडेंस ऑफ पीपीज इम्बेलेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और फुट ऑफ वर्कर। कहने का मतलब है कि कन्वेयर बेल्ट काफ़ी ऊंचाई पर मौजूद होता है जिससे कि कोयले को आसानी से पहुंचाया जा सके, लेकिन इस हाइट पर काम करते वक्त या चीज़ों के ऊपर से गिरने से हमें इंजरी हो सकती है, इसके लिए हमें प्रॉपर प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही जो भी वर्कर्स
हाइट पर काम करने के लिए जाता है उसे प्रॉपर सेफ्टी बेल्ट या अगर सेफ्टी नेट उपलब्ध हो तो सेफ्टी नेट का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि हम हाइट वर्क में होने वाले एक्सीडेंट को टाल सकें। इसका लास्ट पॉइंट देखते हैं, स्ट्रक बाय फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स टूल्स कोल पीसेस कैन फॉल फ्रॉम हाई ऑपरेशनल एरिया। कहने का मतलब है कि जो भी हमारे टूल्स या जो कोल पीसेस होते हैं हाइट से गिर सकते हैं, जिससे कि हमें चोट लग सकती है, अतः हमें प्रॉपर पीपीज का इस्तेमाल करना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आगे भी इसी तरह का एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि पावर प्लांट के बारे में आपको और कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू वेरी मच।